पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक युग थे। बिल्कुल अलग शख्सियत, मंत्रमुग्ध कर देने वाले, प्रसंगों को गूंथ विरोधियों को बातों से पस्त कर देने की कला के महारथी। हालांकि उन्होंने भाषा की मर्यादा कभी नहीं लांघी, उस दिन भी नहीं जब भरी संसद में बीजेपी की खिल्ली उड़ाई गई, बीजेपी को बुरी शिकस्त मिली थी। अपनी बातों के बाड़ों से विरोधियों को छलनी कर देने वाला यह अर्जुन निशब्द था, बिल्कुल चुप। रण में वह भी हारा था और गांडीव रखने के बारे में सोच रहा था। बात 1984 की है। उसी साल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। लोग अपनी चहेती पीएम को खोकर गमगीन थे। कांग्रेस की आंधी थी। उस साल हुए आम चुनाव में लोगों ने देश की सबसे पुरानी पार्टी को अंधाधुंध वोट दिए थे। कोई टक्कर में नहीं था। कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ लौटी। लोकसभा में उसके 426 सदस्य थे, बीजेपी के सिर्फ 2 सदस्य। कांग्रेस की लहर में 1984 का चुनाव जीतने वाले बीजेपी के 2 सांसद थे, डॉक्टर ए के पटेल और चंदुपतला जंग रेड्डी। पटेल गुजरात के महसाड़ा से जीते थे, चंदुपतला रेड्डी आंध्र प्रदेश के हनमकोंडा से जीते थे। वाजपेयी ग्वालियर के गोरखी स्कूल से पढ़े थे। उन्होंने ग्रेजुएशन विक्टोरिया कॉलेज से किया था, अब इसे महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जानते हैं। 25 दिसंबर 1924 को वाजपेयी का इसी शहर में जन्म भी हुआ था। जनसंघ के उम्मीदवार के तौर पर 1971 में उन्होंने ग्वालियर लोकसभा सीट जीती थी। हालांकि कांग्रेस की आंधी में माधवराव सिंधिया से वे 1984 में चुनाव हार गए। सिंधिया राजघराने से आने वाले माधवराव को ग्वालियर से हराना तकरीबन नामुमकिन था। वाजपेयी के सामने सिंधिया के चुनाव में खड़े होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। माधवराव सिंधिया के ग्वालियर से चुनाव लड़ने की खबर अचानक आई थी। इसने वाजपेयी को चौंका दिया। नामांकन के अंतिम दिन सिंधिया ने ग्वालियर लोकसभा सीट से नॉमिनेशन पेपर फाइल किए थे। कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर सिंधिया ने ऐसा किया था। इसके पहले तक वाजपेयी का वहां से जीतना करीब करीब तय माना जा रहा था। ग्वालियर की महारानी राजमाता विजय राजे सिंधिया वाजपेयी को समर्थन दे रही थी। हालांकि कांग्रेस ने राजमाता के बेटे माधवराव को अपने उम्मीदवार के तौर पर ग्वालियर के मैदान में उतार दिया था। इसे देखते हुए वाजपेयी ने पड़ोस के भिंड से नामांकन पत्र जमा करने की कोशिश की थी। वे वहां कार से गए भी थे। हालांकि तब तक नामांकन जमा करने का समय निकल गया था। माधवराव ने वाजपेयी को करीब 1.65 लाख वोटों से हराया। कांग्रेस के 426 सदस्यों के सामने सदन में बीजेपी के सिर्फ 2 सदस्य थे। इन दिनों परिवार नियोजन का नारा था, हम दो हमारे दो। इसी नारे का इस्तेमाल राजीव गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की खिल्ली उड़ाने के लिए किया था। तब सभी ने ठहाके लगाए थे, वाजपेयी शर्मसार थे, तब वे पार्टी के अध्यक्ष थे। इस हार ने उन्हें बेचैन कर दिया था। इसमें उनकी अपनी हार ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया था। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी, हालांकि उनका इस्तीफा अस्वीकार कर दिया गया था। 1984 की हार के बाद वाजपेयी ग्वालियर से कभी नहीं लड़े। 1991 में उन्होंने मध्य प्रदेश की विदिशा और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने दोनों सीटें जीती। हालांकि विदिशा सांसद के तौर पर उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी और लखनऊ सीट को अपना लिया। इसके बाद वे लगातार 5 बार इसी सीट से जीते। वाजपेयी की कविता में उनके संघर्ष की झलक दिखती है, जब वे लिखते हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। सही कहा गया है कि इतिहास अपने को दोहराता है। 1984 में 2 सीट से शुरू हुआ बीजेपी का कारवां 2004 और 2009 के चुनाव को छोड़ बढ़ता चला गया। वाजपेयी पार्टी की धुरी बने रहे, वहीं कांग्रेस देश में सिमटती चली गई। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी अमित शुक्ला ने। बाकी खबरों के लिए, किस्सों के लिए जुड़े रहिए एनबीटी डिजिटल के साथ।